हेलो डियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि यदि ए डैश बराबर मैट्रिक्स 3 -1 0 4 2 1 तथा बी इक्वल मैट्रिक्स -1 1 2 2 1 3 है तो सत्यापित कीजिए कि पहला नंबर ए प्लस बी डैश बराबर है किसके, ए डैश प्लस बी डैश के। दूसरा ए माइनस का बी डैश बराबर है किसके, ए डैश माइनस का बी डैश के। ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहला इसका ले लेते हैं कौन, ए प्लस बी डैश बराबर में ए डैश प्लस बी डैश। ठीक, तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए ए डैश का मान यहाँ लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। फिर बी डैश नहीं, खाली बी है, देखिए ओनली बी है, तो बी के यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन में क्या लिखा गया है कि हम जानते हैं कि ए डैश और ए अगर मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका एक बार उसका अगर परिवर्त किया गया है, उसका हम दोबारा परिवर्त कर दें तो उसका मान वही आएगा, मतलब ए के बराबर आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे की है ना कि अगर ए डैश का हम दोबारा डैश निकालेंगे तो उसका मान किसके बराबर आ जा रहा है, ए के बराबर आ रहा। मतलब ये जो मैट्रिक्स दी गई है ए डैश, अगर हम इसी डैश को एक बार और डैश कर देंगे तो क्या मान निकल कर आ जाएगा, ए का मान निकल कर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से देखिए इसको हम एक बार और डैश कर लेंगे तो 3 4 देखिए 3 4 बदल जाएगा, यानी कि रो बदल जाएगी किसमें, कॉलम में। -1 बदल जाएगा -1 और 2 देखिए दूसरे कॉलम में हो जाएगा, 0 1 3 थर्ड कॉलम में हो जाएगा। तो ए का मान निकल कर आ गया और बी का मान निकल कर आ गया। तो अब इन दोनों, अब फिर उसके बाद अब हमको निकालना है कि ए प्लस बी निकालना है, तो अब इसका एलएचएस ले लेते हैं। तो ए का मैट्रिक्स रख लेंगे, फिर बी का मैट्रिक्स रख लेंगे, फिर उन दोनों को जड़ जोड़ देंगे, फिर उसका डैश निकाल देंगे तो हमारा एलएचएस निकल कर आएगा। देखिए देखिए आगे देखिए इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो ए का मैट्रिक्स देखिए लिख लिए, फिर बीच में प्लस है, फिर बी का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 3 + -1 मतलब 3 में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 2 -1 + 2 -1 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। 0 + 1 करेंगे तो कितना, 1। 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी निकल कर आया, तब इसका हमें डैश निकालना है। तो ए प्लस बी का डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को बदल देते हैं किसमें, कॉलम में। देखिए ये 2 1 1 बदल जाए किसमें, देखिए 2 1 1 किसमें बदल गया, रो में, सॉरी कॉलम में। फिर उसी तरह से ए वाली रो बदल जाए किसमें, कॉलम में बदल जाएगी। देखिए 5 4 4 5 4 4 ठीक। तो ए प्लस बी डैश निकल कर आ गया। इसी तरह से हम लोग ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए डैश का तो मान पहले से दिया ही था कि नहीं, क्वेश्चन में हमें ए डैश निकाला दिया हुआ था पहले से क्वेश्चन में। तो ए डैश का देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिए, फिर बीच में दिए प्लस, फिर ये बी डैश लिखा हुआ था। बी डैश का मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में जो बी का मैट्रिक्स दिया था उसका पहले हम लोग डैश निकाल लेंगे, मतलब रो बदल जाए किसमें, कॉलम में। तो बदल गया, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया। फिर उस बी डैश यहाँ निकाल लिए, तो फिर यहाँ पर रख लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 3 + -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। -1 और 2 -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा। फिर 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, जो कि पिछले वाले मैट्रिक्स के बराबर, मतलब ए प्लस बी डैश के बराबर आ रही है। तो अतः लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डैश बराबर है किसके, ए डैश प्लस बी डैश के। ओके, अब देखिए उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन दिया था उसी में कि ए माइनस बी डैश बराबर में ए डैश माइनस का बी डैश। जैसे उसमें जोड़ना था उसी तरह से इसमें क्या करना है, घटाना है। तो हम लोग क्वेश्चन से वहाँ से ए का मान निकाले ही थे, तो यहाँ से ए का मान लिखे रख लेते हैं, फिर माइनस बी का मैट्रिक्स यहाँ पर रख लेते हैं। अब इन दोनों को घटा लेते हैं। देखिए 3 - - प्लस हो जाएगा, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। -1 - 2 तो कितना, -3। 0 - 1 यानी -1 हो जाएगा। 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। 1 - 3 करेंगे तो कितना, -2 आ जाएगा। तो ये ए माइनस का बी निकल कर आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए माइनस बी का डैश। देखिए ए माइनस बी का डैश, तो ए माइनस बी का डैश अच्छे से जानते हैं कि रो बदल जाए किसमें, कॉलम में। देखिए 4 आ गया यहाँ पे, -3 यहाँ पे आ गया, -1 यहाँ पे आ गया, फिर 3 आ जाएगा किसमें, यहाँ पे आ गया 3, फिर 0 यहाँ पे -2। ओके, अब उसी तरह से आगे देखते हैं।
ठीक। अब देखिए, अब ए माइनस का बी डैश निकलना है, तो ए डैश का मान क्वेश्चन में हम लोग को पहले से दिया था, फिर बीच में माइनस है, फिर क्वेश्चन में जो बी दिया था उसका फिर से बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश निकाल करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। देखिए, 3 माइनस माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। माइनस वन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन में माइनस टू जोड़ेंगे तो कितना, माइनस का 3 हो जाएगा। टू माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 माइनस का 1 करेंगे तो कितना, माइनस का 1। 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। अतः लिख सकते हैं क्या कि ए माइनस बी डैश बराबर हो गया किसके, ए डैश माइनस बी डैश के। ठीक, क्योंकि ए वाली मैट्रिक्स यानी कि ए डैश माइनस का बी डैश बराबर है किसके, ए माइनस बी डैश के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में कि ए माइनस बी डैश बराबर ए माइनस बी, ए डैश माइनस बी डैश, ओके, के बराबर है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।